हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर की एडिशन ऑफ टू 8 बिट्स नंबर्स। ठीक है, तो हम दो 8 बिट नंबर्स को ऐड करेंगे। मान लो हमारा फर्स्ट नंबर है, आपको फेवरेट नंबर क्या है? जैसे मेरा है 03H, मतलब 3 नंबर मेरा फेवरेट है और दूसरा 7 नंबर मेरा फेवरेट है। तो ये मैं स्टोर करा दूंगा एक रजिस्टर में और इसको भी स्टोर करा दूंगा एक रजिस्टर में। तो हम इन दोनों की एडिशन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक रजिस्टर लेंगे, मान लो बी ले लिया, क्योंकि ए को तो हम यूज़ करते हैं एडिशन कराने में ही। तो मैं उसको मूव कर दूंगा 03H को। MVI है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इसमें हम अपना मूव करते हैं जो भी डेटा है उसको इमीडिएटली मूव करते हैं बी में। इमीडिएट डेटा को बी में मूव कर दिया, तो मेरे बी में अब मेरे पास 3 है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको क्योंकि मेरे को ऐड कराना है तो मेरे को बी के कंटेंट्स को ए में मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, इसका करने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, ऐड 07H। ठीक है, ये कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कराने के बाद मैं क्या कर दूँगा, MVI वापस से बी को यूज़ कर सकते हैं, सी को भी ले लो आप, क्योंकि अब बी की वैल्यू मैंने ए में तो स्टोर करा ही दिया। ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ऐड कर दूंगा मैं बी को, यानी बी में मेरे पास क्या था 03H, और अब मैंने बी नया रजिस्टर है उसमें मैंने बी को ऐड कर दिया। ठीक है, इस समय बी के पास 7 है। और ये करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, फिर मैं क्या कर दूंगा, STA, क्योंकि एक्यूमुलेटर में मेरे पास 7+3 10 यानी 0AH स्टोर हो चुका है। मैं क्या कर दूंगा, इसको कहीं स्टोर करा दूंगा, मतलब डिस्प्ले कराने के लिए। मान लो 3000H है यहाँ पर, अब मेरा इसका सम स्टोर हो जाएगा, यानी कि क्या है 0AH। तो ये मैंने एडिशन करा दी, नॉर्मल एडिशन थी है। उसके बाद हम लास्ट स्टेप अपना ज़रूर लिखना भूलना मत, हॉल्ट। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी ऐसे देख सकते हो, मैंने सबसे पहले क्या किया, MVI B,03H, फिर उसके आप क्या करते हो, मूव A,B, फिर आप कर देना MVI C, ये अब अलग अलग रजिस्टर भी यूज़ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये करने के बाद आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे ऐड सी। ठीक है, नहीं ये नहीं करोगे आप, हाँ ये कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, आपने सबसे पहले बी की वैल्यू ए में डाल दी, अब सी की वैल्यू आपने 07 को सी में डाला, ए के कंटेंट्स में आप सी को ऐड कर रहे हो, तो ए में अब A+C स्टोर्ड है। फिर आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप सिंपल कर रहे हो STA 3000H, और फिर आप कर रहे हो हॉल्ट। ये बहुत इजी प्रोग्राम है, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी। इसमें थोड़ा रजिस्टर हमने सेव कर लिए, इसमें हमने रजिस्टर्स को अच्छे से यूज़ किया। तो ये आप था, ये आपका प्रोग्राम था एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं अगर हमारा मेमोरी में स्टोर्ड हो।